क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें ढूंढना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो तीन फिगर है, इन तीनों फिगर के अंदर जो नंबर्स है, इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखना है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट फिगर को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सर्कल के बाहर 5, 4, 6, 7 है और सर्कल के अंदर 0 है। इन नंबर्स के अंदर रिलेशन क्या है, देखिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये 7 के साथ ये 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 5 के साथ ये 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 11 आ जाता है। तो अभी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 11 से 11 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड फिगर में भी ऐसे ही होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर 8 + 4 करना है तो यह पर आएगा 12, उसके बाद यह पर 7 + 6 करना है तो यह पर आ जाएगा 13। ठीक है, देखिए यह पर क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर से छोटा वाला नंबर को माइनस करेंगे, छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर्स को अगर माइनस करेंगे तो यह पर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यह पर क्या करेंगे, 13 - 12 कर देंगे तो यह पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 है देखिए यह पर क्या करेंगे, देखिए यह पर 11 + 2 करेंगे तो यह पर आ जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद यह पर 0 + 2 कर देंगे तो यह पर 2 आ जाएगा, तो माइनस कर देते हैं तो यह पर 11 आ जाएगा, मतलब यह पर आंसर आएगा 11। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक नंबर एनालॉजी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा वो हमें ढूंढना है। देखिए इसी टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखना है। यहाँ पर देखिए 545:196 है और इस साइड पे देखिए 173:2 क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर जो 196 है, ये नंबर देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 196 आता है। ठीक है, यह तक समझ में आएगा। अभी यहाँ पर देखिए ऑप्शन को फॉलो करना है। ऑप्शन में देखिए एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 121। तो देखिए यहाँ पर इसको अभी सॉल्व करेंगे, 545 के साथ 196 का रिलेशन क्या है, 5 + 4 + 5 कर देंगे 545 का, तो इन नंबर्स को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी 14 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 196 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, देखिए यहाँ पर 1 + 7 + 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अभी 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 121 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 121 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 5:100 है, यहाँ पर 7:2 क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर 5 के साथ ये 100 का रिलेशन को देखेंगे और यहाँ पर 7 के साथ ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका रिलेशन को देखेंगे। तो 5 से 100 कैसे बनेगा, देखिए 5 के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। अभी 10 का स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर भी सेम है, 7 के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा। ठीक है, अभी 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 196 आ जाएगा। देखिए 196 ऑप्शन में है तो मतलब यहाँ पर 196 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 3 फिगर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा वो हमें ढूंढना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट फिगर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पर 30 है, 24 है और 48 है। तो इन तीनों नंबर्स के अंदर रिलेशन क्या है, देखिए यहाँ पर जो 30 है और 24 है, इनमें से सबसे बड़ा वाला जो नंबर है 30, इससे यहाँ पर छोटा वाला नंबर्स को माइनस करेंगे 24। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये 6 को क्या करना है, अभी यहाँ पर 48 को ये 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यही रिलेशन है, यहाँ पर 8 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, देखिए यहाँ पर बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 23। 23 से हम 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। अभी ये 11 को क्या करना है, 88 को 11 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 92 - ? ठीक है, 92 - ? करने से कितना आना चाहिए, 48 नहीं आना चाहिए। 48 को क्या करेंगे, ये 48 को अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब 8 तो आना चाहिए, ये 6 से, देखिए 6 से अगर 48 को डिवाइड करेंगे तो ये पर 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये पर 92 - ये पर 6 हो जाएगा और इस साइड पे क्वेश्चन मार्क चला जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 92 - 6 = 86 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, मतलब यहाँ पर 86 आंसर हो जाएगा। अभी इसको समझना है, देखिए 92 से अगर 86 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 48 को अगर 6 से 48 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये पर 8 आ जाएगा। ठीक है,
तो 8 आ गया। देखिए तीनों जगह पर 8 आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 86 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो पूछा गया है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम कॉलम वाइज इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है, 33 है, उसके बाद 8 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। अभी 32 के साथ प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड कॉलम में भी सेम है। देखिए थर्ड कॉलम में 5×9 करेंगे तो यहाँ पर 45 आएगा। अभी उसके साथ प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 46 आ जाएगा। ठीक है, 46 है, यहाँ पर भी सेम है। देखिए यहाँ पर 7×क्वेश्चन मार्क करना है। 7×क्वेश्चन मार्क इजिकल टू क्या आना चाहिए, इजिकल टू ये 78 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 78 से एक कॉम आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 77 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 77/7 इजिकल टू 11 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा वो हमें ढूंढना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर 1 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 1 का क्यूब करने से नेक्स्ट ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27 आएगा। देखिए 3 का क्यूब करने से 27 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 है, 5 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 343 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 125। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो हमें ढूंढना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 के साथ ये 8 का जो रिलेशन होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसके साथ ये 5 का रिलेशन देखते हैं, नहीं तो यहाँ पर 8 के साथ ये 5 का रिलेशन देखते हैं, और यहाँ पर 6 के साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका रिलेशन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायगोनली इसका रिलेशन देखेंगे, मतलब 6 के साथ यहाँ पर 5 का रिलेशन देखेंगे और यहाँ पर 8 के साथ ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 है, 5 का मीनिंग क्या है, 3 प्लस अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर 3×2 अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर भी सेम है, 8 का मीनिंग क्या है, 8 का मीनिंग है 4×2 करने से 8 आता है। ठीक है, 8 का मीनिंग 4×2 करने से 8 आता है। तो अभी 4 प्लस अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 6। ठीक है, इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझने का। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इस टाइप का और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।